और उसके साथ साथ आपको HTML CSS आना चाहिए, जिससे आप एप्लीकेशन को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बना सको, सुंदर वाली एप्लीकेशन बना सको। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नेटिव के आने से एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो एंड्रॉयड स्टूडियो पे होता है वो ठप हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि जो iOS के लिए शिफ्ट लैंग्वेज यूज होती है वो ठप हो जाएगा। और तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। सो आज है वेडनेसडे का दिन और मैं आपके लेके आ गया हूँ एक और वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में और रिएक्ट नेटिव के बारे में। विच वन इज बेटर सर, बताइए। तो सर आपके लेके आ गया एक वीडियो ही, जिसमें आपके डाउट्स मैं क्लियर करूंगा और किसमें क्या क्या फायदे हैं। अब देखिए, कोई चीज कैसे बेटर होती है। हम किसी भी शॉप पे जाते हैं या किसी मिठाई की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, मिठाई का कोई लेना देना नहीं है ऐप डेवलपमेंट से, बट आपको उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट, वो सब चीज़ें मैटर करती है ना। नॉट ओनली फॉर मिठाई वाला केस, अगर इफ़ यू कंसिडर एनी अदर केस, तो वहाँ भी अगर आपको फीचर्स बताए जाएंगे कि हाँ जी ये चीज़ें मिल रही है, तो आपका नेचुरल सी बात है माइंड वहाँ जाएगा। तो यहाँ आज वीडियो में यही चीज़ होने वाली है। आपके पास मैं ऑप्शंस दूंगा और आई एम नॉट सेलिंग, मैं कुछ बेच नहीं रहा आपको, बट यस कुछ बातें हम करेंगे इंटरेस्टिंग सी इस वीडियो में, और जो इस डिस्कशन को और सॉलिड में बनाने की कोशिश करूंगा। हेल्दी डिस्कशन होगा, थोड़ा सा खाली वन साइडेड होगा। आपको कमेंट करके बताना है और आप लोग क्या सोचते हो और इसके बारे में, और अगर मैं सही हूं तो बता देना यार सर, यस यू आर राइट। और इसको थोड़ा सा मैं अलग वे में वीडियो को बनाना चाहता हूं। मैं चाहता तो एकदम फॉर्मल वे में शुरू करता और खत्म कर देता, बट आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो को, और इसमें हम बात करेंगे नेटिव एप्स के बारे में। ठीक है, जी हाँ, नेटिव एप्स के बारे में, क्योंकि एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो या रिएक्ट नेटिव हो या कुछ भी और अदर फ्रेमवर्क भी यूज करते हो जिसकी हेल्प से आप ऐप डेवलप कर पाओ, वो सब चीजें हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है। बट रिएक्ट नेटिव और एंड्रॉयड स्टूडियो का आज मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, और भी मैं लेके आऊंगा वीडियो, हम कंपैरिजन जरूर करेंगे, बट आज हम बात करते हैं रिएक्ट नेटिव के बारे में और एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, हर जगह मार्केट में फैला देना, और जितने भी कंप्यूटर साइंस के लोग हैं उनके उन तक ये वीडियो जाए और वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ सके, यही मेरा मोटो रहता है हर वीडियो का। सो बाकी अगर हमारे चैनल पे नए हो तो बताने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अलॉन्ग विद बेल आइकन, और ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हर वेडनेसडे को ऐसी लेके आता रहूँ, और सैटरडे को भी लेके आता हूँ, बट आज कल थोड़ा सा कोडिंग वीडियोज आ रही है तो मैं वेडनेसडे को ही एक वीडियो ही बना लूँ, वही काफी रहता है। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं, टाइम आपका नहीं लूंगा ज्यादा। सो रिएक्ट नेटिव और एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ठीक है, बट पहले मैं आपको बताता हूँ नेटिव एप्स क्या होती हैं। देखिए, नेटिव मतलब व्हाट, अगर मैं बात करता हूँ, एक फॉर्म फिल करता हूँ तो उसे पूछते हैं आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, तो हम बोलते हैं हिंदी। अब इंडिया से है भाई, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है ना। तो ऐसे ही अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन के टर्म में बात करें तो यहाँ पे नेटिव मीन्स व्हाट फॉर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, हम किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो वेब हो या फिर मोबाइल हो। तो यहाँ पे अभी हम एंड्रॉयड स्टूडियो की जब मैं बात करूंगा, या मैं एंड्रॉयड एप्स के बारे में बात करूं, या फिर मैं iOS के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास उसी को ही आप बोलते हो, स्पेसिफिक फॉर मोबाइल कॉल्ड नेटिव एप्स। ठीक है, तो आई थिंक नेटिव एप्स का मतलब आप समझ गए होंगे, स्पेसिफिक फॉर मोबाइल्स। तो वहां पे गए आप iOS के लिए ऐप डेवलप करते हो, वहां पे फिर आप ऑब्जेक्टिव सी, अब iOS डेवलपर बनना है तो वहाँ आप क्या करोगे, एक्सकोड होता है उसका यूज करते हैं, IDE का, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव सी और अब शिफ्ट इनका यूज करके, इस शिफ्ट लैंग्वेज का यूज करके आप iOS ऐप बनाते हो, तो वो खाली iOS प्लेटफॉर्म के लिए है, राइट। वो वाली ऐप आपकी एंड्रॉयड में नहीं चलेगी, एंड्रॉयड के डिवाइस में वो रन नहीं होगी। सिमिलरली अगर आपको एंड्रॉयड में ऐप बनानी है तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो में जाओगे और वहां पे फिर एक्टिविटीज डिजाइन करोगे XML की हेल्प से, और बैकएंड में आप जावा यूज करो या कोटलिन यूज करो। वैसे तो आप C++ भी यूज कर सकते हो, बट जावा बहुत पॉपुलर है, और जितने भी अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे देखोगे एप्स, तो वो आपको पहले का बहुत परसेंटेज ज्यादा था, थोड़ी कम हो गई है क्योंकि रिएक्ट नेटिव आ गया मार्केट में, तो उस पर भी आप काफी सारी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। बट हाँ, एग्जिस्टेंस जावा का बहुत ज्यादा है, कम्युनिटी बहुत ही लार्ज है, और जो थर्ड पार्टीज आपको APIs मिलती है बहुत इजिली मिल जाती है, ये सब आपको एडवांटेज मिलता है। अभी बात करते हैं उसके बारे में। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको नेटिव ऐप डेवलप करनी है तो आपके पास क्या ऑप्शंस है। iOS के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉयड के लिए अलग है, दोनों में आप बहुत अच्छी एप्स बना सकते हो, हर टाइप की ऐप बना सकते हो, कम्युनिटी बहुत लार्ज है, कहीं फंसते हो तो आपको गूगल पे हर चीज का सोल्यूशन मिलता है। और अगर जावा अच्छा है, मोबाइल एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है,
तो आप जा सकते हो एंड्रॉयड स्टूडियो में, और वहां पे आप कॉटलिन, जैसे कॉटलिन और जावा का सिंटेक्स ज्यादातर सेम ही दिखेगा जब आप उसके सिंटेक्स को कंपेयर करोगे, और दैट्स इट। दिस इज फॉर iOS, दिस इज फॉर एंड्रॉयड, दोनों में क्या क्या चीजें हैं। वहां पे ऑब्जेक्टिव सी की हेल्प से आप बनाते हो अपनी iOS ऐप, और शिफ्ट लैंग्वेज का यूज करके बना सकते हो, ठीक है। बट अब ज्यादातर शिफ्ट ही यूज होती है आफ्टर ऑब्जेक्टिव सी के बाद, ठीक है। अब आता है पिक्चर में रिएक्ट नेटिव। अब रिएक्ट नेटिव क्या है गाइस, फेसबुक का फ्रेमवर्क है। अब तो फेसबुक यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आया है डेवलपर्स के लिए कि भाई अगर आपको iOS और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनानी है तो आप रिएक्ट नेटिव यूज करो। एक कोड बेस रहेगा, एक कोड बेस मतलब व्हाट, कि जो आप डेवलपमेंट करोगे जिस टूल पे आप कर रहे हो वही कोड आपका वर्क करेगा iOS के लिए भी, और वही वर्क करेगा आपका एंड्रॉयड के लिए भी। आपको कोई अलग से लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, आपको खाली एक चीज आनी चाहिए, वो है आपका जावास्क्रिप्ट। तो बस सीधी सी बात है, जावास्क्रिप्ट आपको आना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको HTML CSS आना चाहिए, जिससे आप एप्लीकेशन को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बना सको, सुंदर वाली एप्लीकेशन बना सको, ठीक है। तो HTML CSS, तो बेसिकली व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो रिएक्ट नेटिव के अंदर। आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलती हैं, जिसमें सबसे फायदा अगर मैं बात करूँ ना इसके अंदर, एक चीज है कि आप iOS के लिए सेम कोड बेस जो आपका काम करेगा iOS के लिए भी और एंड्रॉयड के लिए भी। तो आप एक कोड बेस का यूज करके जो भी आप डेवलपमेंट करोगे, जो भी आप कोड करोगे, जो भी आप डिजाइन करोगे बैक एंड पे, आप चाहे जावा यूज करो, कोडिंग राइटर यूज करो, एनी फ्रेमवर्क यू कैन यूज, एनी लैंग्वेज यू कैन यूज इन फ्रंट एंड, आप विद द हेल्प ऑफ HTML CSS JavaScript उनकी हेल्प से आप एक एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो, और वो एप्लीकेशन आपकी iOS के लिए भी और एंड्रॉयड के लिए दोनों के लिए काम करेगी। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, जावास्क्रिप्ट आपका अच्छा है। तो इसका जो अगर मैं इन्वेंशन की बात करूं, तो ये वेब से वेब डेवलपमेंट इनटू मोबाइल डेवलपमेंट, क्योंकि रिएक्ट जेएस है हमारे पास फॉर वेब, और आपको पता है हमारे चैनल पे चल रही है सीरीज, तो जितना भी सिंटेक्स है कंपोनेंट ओरिएंटेड है सारा सिंटेक्स, स्टेटफुल कंपोनेंट, स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट, वो सारी चीजें रिएक्ट नेटिव में भी है। इवन सेटअप करने का तरीका भी सेम है, नोड का यहाँ पे यूज होता है, नोड की हेल्प से आपको पता है वहां पे नोड मॉड्यूल होता है, जितनी भी डिपेंडेंसी होती है हमारे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए वो सारी डिपेंडेंसी नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल में होती है। विद द हेल्प ऑफ NPM हम सारी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करते हैं एज पर आर नीड, तो ये काम आपका आसान हो जाता है। तो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, आज की बात करूं, तो काफी सारे जितने भी नए लोग हैं, नए लोग मतलब जो फ्रेशर्स हैं और जो इवन इंटरमीडिएट हैं, तो वो जा रहे हैं इस चीज में उनका बेसिकली। देखिए ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नेटिव के आने से एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो एंड्रॉयड स्टूडियो पे होता है वो ठप हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि जो iOS के लिए शिफ्ट लैंग्वेज यूज होती है वो ठप हो जाएगा। देखिए जो ऑलरेडी रनिंग एप्लीकेशन हैं, जिनके बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं, उनके लिए अच्छा है, उनका रेवेन्यू आ रहा है, तो वो कभी स्टॉप नहीं होगा। बहुत बार आप मेरे से पूछते हो कि सर ये चीज मार्केट में नहीं आ गई तो क्या पुरानी खत्म, ऐसा कभी नहीं होता। बिजनेस चल रहे होते हैं, उनका प्रॉफिट बन रहा होता है, वो आ रहा होता है और कंपनीज काम कर रही होती है। हाँ, अगर कोई नई ऐप है, कोई नया आइडिया है, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है और बिजनेस कहता है कि इसको आप इस टेक्नोलॉजी पे बनाओ, तो आप बनाते हो। मोस्टली स्टार्टअप्स अगर आप जाओगे तो वो सब इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, चाहे फ्लटर हो, रिएक्ट नेटिव हो, जो अदर फ्रेमवर्क्स हैं फॉर मोबाइल डेवलपमेंट के लिए। बट यहाँ पे रिएक्ट नेटिव गाइज बहुत ही फैसिनेटिंग है। मैं अभी रिएक्ट जेएस पे ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, आने वाले टाइम पे हम रिएक्ट नेटिव पे जरूर बात करेंगे। इसमें क्या है खास बात आपको बताता हूँ, देखिए इसमें खास बात क्या है कि देखिए मैं जानता हूँ अच्छे से ये बात, और आप लोग भी जानते हो कि जावा की जो कम्युनिटी है बहुत ही लार्ज है, क्योंकि जावा का जो एग्जिस्टेंस है वो पुराने से चलता आ रहा है और जावा बहुत वास्ट है, हर चीज का सोल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं वो चीज है। बट रिएक्ट नेटिव की कम्युनिटी भी बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रांग होती जा रही है। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर SDK है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलता है, यू कैन यूज दैट, इवन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड एक्सटर्नल लाइब्रेरी फ्रॉम इंटरनेट और यूज दैट यूज इन योर एप्लीकेशन। ऐसे ही आपको रिएक्ट नेटिव के अंदर भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो, और इवन आप NPM की हेल्प से मॉड्यूल्स डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपके जितने भी मॉड्यूल्स एक्स्ट्रा होंगे वो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल में चले जाएंगे और वो आप यूज कर पाओगे। तो ये सब चीजों का सोल्यूशन वहां भी है, और तोड़ हर चीज का है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी तो लोगों ने बना बना के रख रखी है गिटहब पे, वो आप यूज कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करूँ तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप बिगनर हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क का यूज करके आप मोबाइल के लिए, iOS और एंड्रॉयड के लिए आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। सो वो आपको काफी हेल्प करेगा आने वाले टाइम के लिए।
और कहीं ना कहीं रास्ता आपका खुलेगा वेब के लिए भी, क्योंकि वेब और ऐप दोनों के लिए आप, अगर आपका HTML CSS JavaScript स्ट्रांग है तो आप खाली मोबाइल के लिए नहीं रहे, आप वेब के लिए भी हो। आप ऑलरेडी वेब में काम कर रहे हो, आपका HTML CSS JavaScript स्ट्रांग है तो आपके पास सीधा रास्ता खुलता है। तो इसलिए मेरा तो, मैं तो अभी वेट कर रहा हूँ, जैसे ही रिएक्ट JS थोड़ा हमारा अच्छे लेवल पे चला जाएगा तो मैं रिएक्ट नेटिव की सीरीज अपने चैनल पे जरूर इंट्रोड्यूस करूंगा। मैं आपको YouTube, WhatsApp, Instagram के क्लोन बना के दिखाऊंगा, सेम कैसे बनाए जाते हैं, कैसे डिजाइन किए जाते हैं। मैं खुद एक्साइटेड हूँ वो चीज करने के लिए। तो घुमा फिरा के ये कि दोनों का स्कोप है, एंड्रॉयड हो या फिर, सॉरी अगर मैं दोनों बोल रहा हूँ, अगर मैं iOS डेवलपर की बात करूँ, सेपरेट अगर जॉब्स भी मिलती हैं आपको iOS डेवलपर के लिए, एंड्रॉयड डेवलपर के लिए, बट रिएक्ट नेटिव डेवलपर भी आपको बहुत मार्केट में मिलेंगे आजकल। और क्योंकि सारा खेल वहां पे जावास्क्रिप्ट का है और हर कोई जावा नहीं करना चाहेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं जाना चाहेगा। देखिए सारे जितने रूल्स हैं वो सारे यहाँ भी होंगे, ऐसा नहीं जावास्क्रिप्ट मजाक है, जितने भी ECMA के कॉन्सेप्ट हैं, ES6 वो सारे यूज होंगे अगर आप रिएक्ट नेटिव में जाओगे, और कंप्लीट जावास्क्रिप्ट आपका यूज होगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि वो इजी है। देखिए इजी मतलब मैं ना किसी चीज को डिफिकल्ट नहीं बोलता, अगर आप किसी चीज में मेहनत कर रहे हो तो आपको आदत हो जाती है, फिर आप काम करना शुरू करते हो तो आपको पता चल जाता है उसमें क्या चीजें हैं और आप उस हिसाब से प्रोसीड करते हो। सारी बात टाइम देने की होती है, तो कोई चीज मुश्किल नहीं होती, सब चीजें आसान है, बस थोड़ा टाइम देने की बात है और समझने की बात है बस। अगर आपने टाइम देना शुरू कर दिया, उसको समझना शुरू कर दिया, तो आपको डेफिनेटली चाहे कोई भी चीज हो सब समझ आएगा। ठीक है, तो बस यही है, मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि रिएक्ट नेटिव आज के टाइम पे काफी, अब आपने काफी सारी चीजें मैं आपको बता दी, एंड्रॉयड के भी बता दी, iOS के लिए भी बता दी क्या चीजें वहां पे हैं, और यहाँ पे सेम कोड बेस वर्क करेगा एंड्रॉइड के लिए भी और iOS के लिए भी। और आपको आना चाहिए जावास्क्रिप्ट अच्छे से और HTML CSS, अगर ये आपको चीजें आती हैं तो बस फिर ऐप बनाओ और खुद के लिए बनाओ और अपनी कंपनी के लिए बनाओ। सो ये सब चीजें हैं गाइस, आई थिंक काफी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू दी होंगी, और ये वेडनेसडे वीडियो हमारा काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। बाकी अगर आप क्या सोचते हो, मैं आई वॉन्ट एवरी वन जो भी मेरे चैनल पे हैं, जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग क्या सोचते हो, और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो प्लीज कमेंट पे लिख देना, मैं जरूर पढ़ूंगा, और अगर पॉसिबल रहा तो कमेंट उठा के वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर वेडनेसडे आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करना, एंड मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वेडनेसडे को। बाकी सैटरडे को तो मैं ऐसे नहीं बना पाऊंगा वीडियो, हम कोडिंग वीडियो ही मैं डालूंगा। आई वॉन्ट की जो रिएक्ट जीएस की सीरीज है और ECMA की सीरीज है वो जल्दी जल्दी मैं खत्म करूँ, सो दैट इज वाई मैं खाली वेडनेसडे को ऐसे आपके लिए आके वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू सो मच, और ध्यान रखना वीडियो का, स्प्रेड कर देना हर जगह, वो तो मैं नहीं कर सकता, आप लोग ही करोगे। थैंक यू सो मच गाइस, एंड मिलता हूँ बहुत ही जल्दी, एंड बस रहिए, ध्यान रखिए अपना, अभी इस डिफिकल्ट टाइम पे कोरोना चल रहा है, सो अपनी लर्निंग को आप कीजिए और जितना हो सके चीजों को सीखिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।